हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? दीज डेज वी आर स्टडिंग द लेसन द सर्मन एट बेनारस एंड ऑन दिस लेसन आई हैव ऑलरेडी गिवन यू समरी इन हिंदी, समरी इन इंग्लिश, लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन एंड अ वीडियो ऑन एक्सरसाइज दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम एंड इन दिस वीडियो आई एम हियर विद एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। एमसीक्यू में मैंने बदल दिए हैं एक एक नंबर वालों को भी मल्टीपल चॉइस में, और आपको आसानी रहने वाली है क्योंकि इस बार वेटेज ज़्यादा दिया जा रहा है एक एक मार्क्स वाले को। तो आप देखिए स्क्रीन पर और मुझे जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वॉज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम? अर्ली नाम क्या था उसका? चार ऑप्शन दिए हैं, सिद्धा, बी साधु, सी सिद्धार्था और डी सिद्धांता। तो आप सी देख रहे हैं, सही आंसर है बिल्कुल, सिद्धार्थ उसका नाम था। दूसरा देखिए, हु मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटनमेंट? किस चीज़ से वो हिल गया, क्या उसने देखा ऐसा? ए अ सिक मैन, बी एन एज्ड मैन, सी अ मॉन्क बैगिंग या डी ऑल ऑफ द अबव? या राइट, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड में देखिए, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड ही वांडर? जब उसने सोचा कि मैं तो ज्ञान की तलाश में जाऊंगा भैया, ये साइट्स देखकर जब वो मूव्ड हो गया तो कितने साल वो घूमता रहा? ही रोम्ड द वर्ल्ड ए 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, सी 9 ईयर्स और डी 6 ईयर्स। या राइट, ए इज द राइट आंसर। 7 ईयर्स तक उसने वांडर किया, हेयर एंड देयर ही रोम्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड फाइनली ही सैट डाउन अंडर अ। नेक्स्ट में आ रहा है, वेयर डिड ही वॉक टू स्टे? यहीं रहूंगा जब तक, अंटिल हिज एनलाइटनमेंट केम, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कहाँ, क्या कहा उसने? ए हिज पैलेस में रहूंगा, या रहूंगा बी अंडर पीपल ट्री, या रहूंगा अंडर बेनियन ट्री, विल स्टे डी अंडर अ ट्री, ट्री या कौन सा ट्री? लेसन में क्या आया है? पीपल ट्री, बी इज द राइट आंसर। राइट, फिफ्थ में देखिए, व्हाट डिड ही नेम द ट्री? जहां पर उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या नाम दिया उस वृक्ष को? बोधि ट्री, बुद्धा ट्री, गौतम ट्री या सिद्धार्थ ट्री? बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, राइट आंसर ए। सिक्स देखिए, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग? कौन से दाने बुद्धा ने कहा लेकर आ? ए पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, मस्टर्ड सीड्स, राई, सनफ्लावर या फिर सेसम सीड्स, तिल लाने को कहा। उसने क्या कहा? बी मस्टर्ड सीड्स, सरों के राई लाने को बोला उसने। सेवंथ में देखिए, व्हाट वॉज द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन द सोर्स ऑफ द सीड्स? उसने क्या कहा? राई लेकर आ, लेकिन किस घर से हैं, किससे लेके आया? ए टू बी बोरोड फ्रॉम ए मैन, उस आदमी से लेके आ, टू बी बोरोड फ्रॉम ए वुमन, उस औरत से लेके आ, सी टू बी बोरोड फ्रॉम ए चाइल्ड, उस बच्चे से लेके आ, या डी नन ऑफ द अबव? नहीं, उसने कुछ और कहा था, उसने किसी पर्टिकुलर आदमी, औरत या बच्चे से नहीं कहा था लाने को। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसने कहा था कि गो एंड ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर डेथ हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर, जिस घर के दरवाजे पर कभी मृत्यु ने दरवाजा ना खटखटाया हो, जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 देखिए, हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट ऑन बींग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स? जब उसको ऐसे दाने नहीं मिले तो किसा को कैसा लगा? ए वीरी, बी हॉपलेस, सी मोटिवेटेड हो गई वो, या डी बोथ ए एंड बी? या डी इज द राइट आंसर, वो वीरी और हॉपलेस हो गई थी, निराश हताश हो गई थी। 9 देखिए, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज? क्या पता लगता है जो फ्लिकरिंग लाइट से उसको क्या ज्ञान हुआ? शी इज बींग सेल्फिश, कि वो कितनी स्वार्थी है, कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, बी सी मैन आर मोर्टल्स, ये पता लगा, ये तीनों पता लगी, और हम कहते हैं डी में ऑल ऑफ द अबव। यस इट इज द राइट आंसर,
उसे पता लगा सब कुछ, ए बी सी। ठीक है, दसवां देखिए, व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ। बुद्धा ने उसको जिंदगी के बारे में क्या बातें बताई? ए इट इज ट्रबल्ड, इट इज ब्रीफ, सी कंबाइंड विद पेन। ये तीनों बताई, इसलिए आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। या इलेवन देखिए, बोथ यंग एंड एडल्ट्स फूल्स एंड बॉयज फॉल इनटू द पावर ऑफ ए लाइफ, बी डेथ, सी फूड, या डी ऑल ऑफ द अबव डेथ। बच्चे बूढ़े समझदार मूर्ख सभी को, ठीक है ना, मृत्यु आनी ही आनी है। नेक्स्ट देखिए ट्वेल्थ में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन क्या है? ए एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, दुख का प्रदर्शन करना, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटफुलनेस थैंकफुलनेस, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय आनंदित होना, एक्सप्रेशन ऑफ लाफ्टर खुश होना। नहीं, लेमेंटेशन क्या है? ए एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, मृत्यु किसी की हो जाती है, हम जो विलाप करते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेमेंटेशन। 13 देखिए, व्हाट डज किसा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले उसने क्या, जब पहली बार वो निकली तो क्या उसने मांगा? ए मस्टर्ड सीड, नो ये तो दूसरी बार मांगा। बी अ मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, सोचो। सी पंपकिन सीड्स कद्दू के बीज, या नन ऑफ द अबव, नहीं नन ऑफ द अबव नहीं आएगा। बी द राइट आंसर, पहली बार उसने दवाई मांगी सबसे, दूसरी बार उसने मस्टर्ड सीड मांगे जब बुद्धा ने कहा लेके आ जा। ठीक है, तो बी द राइट आंसर। 14th में देखिए, द वाइज डू नॉट डैश नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या नहीं करते? लाफ, स्माइल, ग्रीव, या ऑल ऑफ द अबव? ग्रीव नहीं करते, या विलाप नहीं करते किसी की मृत्यु पर, जो समझदार होते हैं। हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्था वेन ही रिनाउंस द प्रिंसली लाइफ। कितने साल की उम्र में उसने अपने राजकाशी जीवन को छोड़ दिया? ठीक है, ए 22, बी 32, सी 35, या डी 25। यस, डी इज द राइट आंसर, गुड, एट द एज ऑफ 25। 16 देखिए, ही गॉट एनलाइटनमेंट आफ्टर हाउ मैनी डेज। कितने दिनों बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? बैठ गया था ना वो, ही वॉट, तब तक नहीं उठूंगा जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो। कितने दिन थे वो? ए 10, बी 15, सी 7, और डी 1। सी द राइट आंसर, 7। 17 देखिए, इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन। ये तो टाइटल में ही आ जाता है। ए पटना, बी बनारस, सी लुम्बिनी, डी गया। नो, इट वॉज बी बनारस, पहला सर्मन, यही तो लेसन है, तो बी द राइट आंसर। 18th में देखिए, व्हाट डिड किसा आस्क फॉर टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। तो उसने क्या कहा पहली बार जब वो गई, तो क्या मांगी उसने? ए मेडिसिन, बी मनी, सी डॉक्टर, या डी प्रेयर्स। तो ए इज द राइट आंसर, उसने दवाई मांगी। 19th में देखिए, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन डिड किसा हैव। और कितने बच्चे थे? ओनली सन तो डाई हुआ था, तो और कितने हो सकते हैं? ए 5, बी 3, सी 4, या डी नन। तो जब ओनली सन था हु डाइड, तो ओनली का मतलब तो और थे ही नहीं उसके, तो ना 5 थे, ना 3 थे, ना 4 थे, कोई भी नहीं था, तो डी इज द राइट आंसर। 20th देखिए, हु इज फ्री फ्रॉम सोरो, कौन दुखों से आजाद है? ए हु ओवरकम सोरो, जो दुखों पर जीत पा लेता है, ऊपर उठ जाता है। हु डज नॉट सी सोरो, जो दुख को नहीं देखता। हु रिमेन्स हैप्पी, जो खुश रहता है। हु गिव्स सोरो टू अदर, जो दूसरों को दुख देता है। नो, ए इज द राइट आंसर, हु ओवरकम्स सोरो। या 21वां देखिए, हाउ कैन वन सेव हिज लव्ड वंस फ्रॉम डेथ। कैसे हम अपने प्यारों को मरने से बचा सकते हैं?
अरे ये पाठ पढ़ के भी यही क्वेश्चन सोल्व करना ना आया तो क्या फ़ायदा। ए बाई ग्रीफ, दुख करके, बाई क्राइंग, सी बाई बोथ, रो धोगे, या डी नन ऑफ दीज। क्या सीखा इस पाठ से? नन ऑफ दीज, नहीं भैया, नहीं संभव है, कुछ भी कर लो। 22 देखिए, दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, जो दुख विलाप नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? एरोगेंट, अहंकारी, प्राउड, हैप्पी या वाइज? बुद्धिमान, वाइज, दिस द राइट आंसर। 23 में देखिए, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग, कौन से बीज लाने को कहे उसने? ए पंपकिन सीड्स, कद्दू के, बी मस्टर्ड सीड्स, सरों के, सनफ्लावर या तिल? तो क्या लेकर आई वो, आने को कहा? मस्टर्ड सीड्स। 24 में देखिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड्स डिड बुद्धा आस्क फॉर, कितना उसने कहा, कितना लेके आ भैया, उसने कहा ना कितने लेकर आ, मैंने इशारा कर दिया आपको पहले ही, इतने। क्या कहते हैं इसे? ए सैक फुल, थैला भर के ला, ए हैंडफुल, मुट्ठी भर, ए पिंच, चुटकी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, पिंच, चुटकी या एक कप? एक कप। क्या कहा उसने? ए हैंडफुल, राइट। 25 में देखिए, अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट इज एन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, कौन सी है वो? ए लॉस ऑफ ए लव्ड वन, बी बीटिंग, सी हेटर्ड या डी वर्बल अब्यूज। ए इज द राइट आंसर। लॉस ऑफ ए लव्ड वन इज एन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इट इज अनबीरेबल। ठीक है। 26 में देखिए, वट डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, क्या वो सीख गई? ए लव इज कॉमन, बी डेथ इज कॉमन, सी वॉर इज कॉमन या डी नन ऑफ द अबव। वट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज नो। आई वॉन्ट टेल यू, यू आर गोइंग टू राइट इट इन कमेंट सेक्शन। ओके चलिए आ जाइए 26 का, आप बताएंगे वेयर वॉज बुद्धा बॉर्न। लेसन पढ़ा, पहली दूसरी लाइन में इसका आंसर है, कहाँ उसका जन्म हुआ? ए साउथ इंडिया में, बी नॉर्थ इंडिया में, सी वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में या डी नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस, यू आर गोइंग टू राइट इट इन कमेंट सेक्शन। ए बी सी और डी, ये दोनों का 26, 27, तुम भी तो करो कुछ, सारा मुझसे ही करवा लेना चाहते हो, दिस इज नॉट फेयर। ओके 28 में देखिए, वट इज दी फेट ऑफ मोर्टल्स, क्या है जो हम नश्वर लोग हैं, हमारा अंत क्या है? दे विल क्राई वन डे, बी इनएविटेबल डेथ टू ऑल, सी वन डे दे विल रन, नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज टू बी गिवन बाय यू इन द कमेंट सेक्शन। नहीं दूंगा, तीनों का जवाब आपसे लूंगा। 26, 27, 28। ओके 29, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, आप बताना, मैं दूं आंसर या आप देंगे। व्हेन वाज बुद्धा सेंट फॉर स्कूलिंग, स्कूलिंग के लिए कब भेजा गया? एट द एज ऑफ 8, 10, 12 और 14। एंड द राइट आंसर इज टू बी गिवन बाई यू। एंड द राइट आंसर इज टू बी गिवन बाई यू इन द कमेंट सेक्शन ऑफ 29, 28, 27, 26, 25 के मैंने कर लिए। अरे सोल्व मैंने करना है क्या क्वेश्चन पेपर? आपने करना है ना, तो आप भी तो आओ। तो 25 के बाद 26, 27, 28, 29 आप दीजिए आंसर। ठीक है, एक नंबर का एक है, 4/4 लेने हैं आपने, इट शुड बी इनफ। एक एक नंबर वालों में एक्सरसाइज भी कर लेना, समरी हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लेना, लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन भी। लेसन इज कंप्लीट, इफ इट इज एनीथिंग स्टिल यू फील एनी डाउट कम
आई एम वेटिंग इन कमेंट सेक्शन, आई एम सिटिंग देयर, ऑलवेज देयर, आई रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स, आई लाइक टू रीड योर कमेंट्स. अच्छा लगे तब भी दिया करो, ना लगे तब जरूर दिया करो. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल.